अयोध्या से शुरू करता हूँ। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। सर नमस्कार। अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा। होए वही जो राम रची राखा। अयोध्या शब्द यूज किया और मैं तो चल गया। हजूर आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में। मैं फिर लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। अयोध्या जो 4 जून के बाद से ही बीजेपी की वो दुखती रग बन गया है जिस पर विपक्ष बार बार हाथ रख रहा है। लोकसभा के चुनावी जंग में अयोध्या में बीजेपी की हार को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी पर तंज कसता नजर आ रहा है। ऐसा ही कुछ नजारा दिखा 2 जुलाई को लोकसभा की कार्रवाई के दौरान, जब सपा सुप्रीमो और सांसद अखिलेश यादव ने अयोध्या और अवधेश प्रसाद के बहाने बीजेपी पर जोरदार चुटकी ली। अयोध्या में अपनी जीत को अखिलेश ने चुनाव की सबसे बड़ी जीत बताया। साथ ही बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जो राम को लाने का दावा करते थे वो खुद अब लाचार है, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, जिसके साथ जय अवधेश के नारे भी संसद में लगने लगते हैं। एक जीत और अध्यक्ष महोदय हुई है। मैं जानता हूं सत्ता पक्ष बैठे वाले लोग समझ गए होंगे, अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत है। और हम तो अध्यक्ष महोदय यही सुनते आए हैं, होए वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला। अध्यक्ष महोदय, होए वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला। जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो है खुद किसी के सहारे के लाचार। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कह देना चाहता हूं, होए वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला। जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो है खुद किसी के सहारे के लाचार। अखिलेश यादव ने अभी तक सिर्फ हमला बोला, लेकिन इसके बाद जो कहा और किया वो देख और सुनकर बीजेपी अंदर ही अंदर जरूर किलस कर रह गई होगी। अखिलेश ने अयोध्या वाले फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद को खड़े होने का इशारा करते हुए बीजेपी पर जोरदार तंज कसा और कहा, हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। जिसके बाद सदन में विपक्षी सांसदों ने तालियों के साथ जोरदार समर्थन किया। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। सदियों में जन 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 गाता है जिनके गान, अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान, मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। देखा आपने कैसे जब अखिलेश ने कहा कि हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, तो साथ में बैठे अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। बता दें कि अयोध्या में अपनी हार को बीजेपी अभी तक पचा नहीं पाई है, इसे लेकर लगातार मंथन भी कर रही है। अयोध्या में हार पर बीजेपी माथा पच्ची करने में जुटी है, तो दूसरी ओर पहली बारिश में अयोध्या में हजारों करोड़ के विकास पर पानी फिर गया है, जिससे बीजेपी की किरकिरी हो रही है। चाहे वो राम मंदिर की छत से पानी का टपकना हो, राम पथ पर जलभराव और गड्ढे हो, या रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट परिसर से आई बदहाल तस्वीरें। इन्हीं मुद्दों को लेकर लोकसभा में अवधेश प्रसाद ने बीजेपी सरकार पर जमकर आड़े हाथों लिया। मानवर, मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ कि अभी परसों में गया था अयोध्या में, वहाँ की गलियों को देखा था, कीचड़ भरा है, और जहाँ पर
हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 6 महीने पहले एक रेलवे स्टेशन का, जो अयोध्या के नाम है, उसका उद्घाटन किया था। 150 से ज्यादा बाउंड्री वॉल है, ढह गई है। और सबसे दुखद पहलू है मनोहर, सबसे दुखद पहलू है कि स्टेशन से आकर के केवल हिंदुस्तान के ही नहीं, दुनिया के ना जाने कितने लोग प्रभु राम श्री राम के मंदिर का दर्शन करने के लिए जाते हैं। 1 किलोमीटर की सड़क है, इतनी गंदगी है कि लगता है सारी दुनिया की गंदगी अयोध्या में आ गई है। सुना आपने कैसे अयोध्या में हार को लेकर पहले अखिलेश का वार, फिर अयोध्या में बदहाली को लेकर अवधेश प्रसाद का प्रहार। सदन से सड़क तक विपक्ष अयोध्या को लेकर घेरने में जुटी है और बार बार बीजेपी की दुखती रग पर हाथ रख रही है। आपको क्या लगता है अयोध्या को लेकर बीजेपी के दावों पर विपक्ष के हमलों में कितना दम है, ये हमें जरूर बताएं। और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ABP लाइव।